पवित्र श्रावण मास की शुरुआत से पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिव भक्तों के लिए बड़ा कदम उठाया है। प्रदेश भर में कहीं भी कांवड़ यात्रा के मार्ग पर पड़ने वाली दुकानों के मालिकों का नाम लिखना अनिवार्य कर दिया है। अब किसी कांवड़िया भक्त को यात्रा के दौरान खाने पीने की वस्तुएं खरीदने के लिए कोई समस्या नहीं होगी। सरकारी प्रवक्ता के मुताबिक कांवड़ मार्गों पर खाने पीने की दुकानों पर नेम प्लेट लगानी होगी। नेम प्लेट में दुकान संचालक और उसके मालिक का नाम लिखा जाएगा। कांवड़ यात्रियों की आस्था की शुचिता बनाए रखने के लिए सरकार ने यह कदम उठाया है। इसके साथ ही हलाल सर्टिफिकेशन वाले उत्पाद उप्र में नहीं बेचे जा सकेंगे। ऐसे उत्पाद बेचने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी। कई बार पुलिस को यह शिकायत मिल रही थी कि कुछ लोग अपना धर्म छुपाकर व्यापार कर रहे हैं, मसलन रेस्टोरेंट व अन्य खाने पीने की दुकानें संचालित कर रहे हैं। वे दुकान पर हिंदू देवी देवताओं की फोटो भी लगाए हुए हैं। कांवड़ यात्रा के दौरान शिव भक्तों को डर है कि ऐसी दुकानों पर उन्हें अंधेरे में रखकर मांस परोसा जा सकता है, लिहाजा ऐसे लोगों को अपनी दुकान के सामने नाम लिखना चाहिए ताकि शिव भक्त उन्हीं दुकानों पर जाएं जहां उन्हें स्वच्छता एवं पवित्रता का भरोसा है। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने शिव भक्तों की समस्या को समझते हुए यह कदम उठाया है।